हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक मसाले की रेसिपी लेके आया हूँ। ईद उल अज़हा आने वाला है और एक हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा रह गए हैं टाइम, तो हमारे घरों में गरम मसाला बहुत यूज़ होता है। हम बाज़ार से अक्सर लाते हैं गरम मसाला, काफ़ी महंगा पड़ जाता है और क्वालिटी भी वो नहीं होती है। तो घर में जो मसाले हमारे होते हैं, अच्छी किस्म के मसाले होते हैं, तो हम बहुत आसानी के साथ गरम मसाला घर पे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में गरम मसाला बनाना सिखाऊंगा। चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने लिया था 4 टेबल स्पून ज़ीरा। तो आप जब भी मसाला लें तो एक ही स्पून से यूज़ कीजिए, तो आपको मेज़रमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 2 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया था, ये घर का धनिया है, हमारे होम ग्रोन है। इसके अलावा मैंने कुछ और मसाले जो लिए हैं, 1 टेबल स्पून ये इसी टेबल स्पून से मैंने लिया था लौंग, और 2 टेबल स्पून ये काली मिर्च है, और 12 अदद ये हरी इलायची है। देखिए हरी इलायची इस साइज़ की है, तो आपको अगर इस साइज़ की हो तो आप 12 लें, इससे छोटी हो, अगर इससे छोटी हो तब फिर आप 15 कर लीजिएगा। और इसी साइज़ की आपकी अगर इलायची है काली वाली तो आप 8 लें, अगर इससे छोटी है तो आप इसको 10 कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये 1 इंच ये दालचीनी का टुकड़ा है। ये इस तरीके से आपको 4 टुकड़े लेने हैं, तो यानी 4 इंच लेना है आपको। फिर यहाँ पे इसमें 3 मसाले हैं, ये 2 आपको जावित्री दिख रही है, एक आपका है ये क्या कहते हैं जायफल। इसके अलावा इसमें 3 चक्री फूल, ये आप ये मसाले ले लें। अब हमको कुछ करना नहीं है, इन मसालों को बस थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करना है। तो एक पैन ले लेते हैं, उसमें ये सब सारे मसाले डाल लेते हैं। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हमें हरी इलायची रोस्ट नहीं करनी है, हरी वाली इलायची हम रोस्ट नहीं करेंगे। तो सारे मसाले इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हरी इलायची को छोड़कर और दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम पैन को चढ़ाएंगे फिर गैस को चालू करेंगे, पहले से इसको गर्म करके नहीं रखना है। 1 से 1.5 मिनट बस आपको रोस्ट करना है। तो फ्लेम को आपको मीडियम रखना है और 1.5 मिनट तक बस आपको रोस्ट करना है इसको। तो चम्मच से आप चला के अच्छी तरीके से रोस्ट कर लें। तो मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, बस आपका हो गया। अब फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको इसी में रहने देंगे 2-3 मिनट तक, और उसके बाद इसको ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करते वक्त हम इसमें हरी इलायची डालेंगे। तो मसाले रोस्ट हो गए हैं, ठंडे भी हो गए हैं, अब इसको जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर ग्राइंड करते हैं, साथ में इसके हरी इलायची भी डाल देते हैं। हरी इलायची रोस्ट करने पे इसकी खुशबू चले जाती है, तो आप कभी इस तरीके से गरम मसाला बना के ट्राई कीजिएगा। रेस्टोरेंट वाले यही मेथड यूज़ करते हैं। तो चलिए ग्राइंड करते हैं फिर। तो अभी मसाले कुछ मोटे दिख रहे हैं, अभी हमें इसे और बारीक करना है। अब थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी डालूँगा। फिर से एक मरतबा मैं ग्राइंड कर लूँगा इसे। तो मसाले ग्राइंड हो गए अच्छी तरीके से, इसमें आपको कुछ रेशे दिख रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा इनको छान लूँगा ताकि ये जो बड़ी इलायची के रेशे थे वो अलग हो जाएं। ये छिलके कुछ दिख रहे हैं मोटे मसाले, मैं थोड़ा सा एक बार तो फिर से इनको ग्राइंड कर लूँगा। तो मसाले दोबारा मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, फिर इनको छान लेता हूँ। तो चलिए हो गया, ये सारे छिलके हैं जो है
ये इलायची वगैरह के छिलके आप इसे डिस्कार्ड कर दीजिए। और आपका ये बेहतरीन किस्म का रेस्टोरेंट स्टाइल आपका मसाला तैयार हो गया है। आप इसे एयरटाइट जार में रख ले और सेव कर ले। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई गरम मसाले की रेस्टोरेंट स्टाइल वाली, तो आप मेरे चैनल स्टूडेंट्स कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। नीचे बटन होगा उसे पे क्लिक कर दें, बाजू में घंटे का बटन होगा उस पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।